नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं बड़ौदा में मौजूद हूं और आपको बता दें कि हमारी टीम बड़ौदा में पहुंच चुकी है और हम चुनावी की सरगर्मियों में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी यहां से जीत रहा है, कौन सा प्रत्याशी हार रहा है। इन सारी बातों की नब्ज टंटोलने के लिए हम इस वक्त कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद है और हमारे बीच में कुछ साथी है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? वीरेंद्र घोगड़िया, पूर्व चेयरमैन उचाणा मार्केट कमेटी। अच्छा जी, घोगड़िया साहब, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल बिल्कुल एक तरफा है जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इलेक्शन मान के लोग चल रहे हैं जी। और लोगों में बड़ा उत्साह है जी। और जोश है इस बात को जी। लोग ये गिनती कर रहे हैं कि कितने ज़्यादा मार्जिन से हम बीजेपी को पिटेंगे। गाँव में कंपटीशन है लोगों में आपस में, हाँ, कि कौन सा गांव कितना ज़्यादा मार्जिन देता है। डॉक्टर कपूर नरवाल के समर्थन देने से क्या कांग्रेस के जो आप बता रहे हो कि जीत रही है, कितना का मार्जिन बढ़ा है? ऐसा है, वैसे तो यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे वोट पड़ते हैं, ठीक, लेकिन डॉक्टर नरवाल एक मजबूत साथी हैं जी। तो निसंदेह लोगों में हौसला हुआ है डॉक्टर नरवाल ने अपना नामांकन बालू के पक्ष में लेने से जी। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी इस बात का लोगों के हौसले में फर्क पड़ा है और निसंदेह और जीत का मार्जिन बढ़ेगा। वहीं अगर हम बात करें योगेश्वर दत्त की, तो वो एक खिलाड़ी रहे हैं, तो वो खेल भावना को दर्शाते हुए युवा साथियों को लुभाने में लगे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर बड़ौदा में काम नहीं किए और हमारी जो सरकार है भाजपा की सरकार, उन्होंने काम किए हैं, इस बारे में क्या? ऐसा है, खिलाड़ियों के मामले में तो ये बात जिक्र चलाने की जरूरत ही नहीं जी। एक अंडरस्टूड है कि खिलाड़ियों के लिए अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है और ये हर खिलाड़ी की जुबान पे है जी। चाहे वो योगेश्वर दत्त हो, पीछे की उनकी रिकॉर्डिंग उठा के देखो आप, खुद योगेश्वर दत्त अपने मुँह से कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। तो ये अलग बात है कि ये खिलाड़ी होने के नाते कुछ साथी उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन उनके दिल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बसे हुए हैं और जिस भी खिलाड़ी का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट है तो उनका हाथ के निशान पर ही बटन दबेगा। साहब जी, एक बात और बताइए कि योगेश्वर दत्त जो कि खिलाड़ी हैं, क्या खिलाड़ी होने का उनको फायदा मिलेगा? ऐसा है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई और होती तो हो सकता है जी, मे बी, लेकिन यहाँ किसी को कोई चांस नहीं है जी कि किसी चीज़ का किसी को फायदा मिल जाए यहाँ चुनाव। और मैं मान के चल रहा हूँ कि योगेश्वर दत्त कहीं खड़े नहीं हैं, ये चुनाव किसान वर्सेज बीजेपी या चौधरी भूपेंद्र सिंह वर्सेज मनोहर लाल खट्टर है, इसमें योगेश्वर दत्त का कहीं रोल नहीं है। तो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और भाई दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे को देख कर वोट दे रहे हैं। तो चेयरमैन साहब, आप जीत के प्रति कितने के आश्वस्त हैं? निसंदेह और निसंकोच 100% जीत है। जीत वाला तो मामला ही नहीं है, हम तो मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ। चलो, हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? जयदीप। क्या सरगर्मियाँ चल रही है सर फिलहाल? जैसा चेयरमैन साहब ने कहा भी, हम तो जीत का आंकड़ा बढ़ाने में लगे हुए हैं। जीत तो हमारी पक्की है लेकिन हम आंकड़ा बढ़ाने में लगे हुए हैं, आपका क्या कहना है? इंदौरा साहब, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं जी, आपको सारा माहौल दिख गया होगा जी, आप मीडिया के साथी हैं जी, और जो खासकर जो मीडिया के साथी हैं जो फील्ड में है, आप हर गाँव में घूम के आए होंगे, आपने लोगों का माहौल देखा होगा, आप खुद भी देखो आप कितना अच्छा माहौल लग रहा है आपने। आपको क्या लगता है सर? मेरे को तो क्या लग रहा है कि देखो क्या है चीज़, ये जो उपचुनाव है ना, इस उपचुनाव के अंदर आप 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप सोचना कि जो हम जो लोग सारे साथी लग रहे हैं और जिस हिसाब से हर गाँव में माहौल है, आज पूरे के पूरे गांव में जो कोई आदमी चाहे कर्मचारी है चाहे जमींदार है चाहे मजदूर है, हर आदमी इस सरकार से परेशान है। और जो पिछली हुड्डा साहब के नेतृत्व में सिर्फ 10 साल सरकार रही 2005 से लेकर 2014 तक, हर वर्ग खुश था, चाहे मतलब जमींदार को फसल का भाव मिलता था, चाहे गरीब आदमी को प्लॉट मिलता था, चाहे गरीब बच्चों को मतलब छात्रवृत्ति मिलती थी, इस सरकार ने सारी स्कीमें बंद कर दी। इसे हर मतलब परिवार में हर आदमी पीड़ित है और ये 3 तारीख को जब वोट पड़ेंगी, जब ये सरकार सोके जागेगी, अगर तो आप लोगों ने क्या किया इस लोगों के साथ? कितने वोटों से जीत मान के चल रहे हो आप, अगर मान कर चलिए? ये प्रदेश की इतनी बड़ी रिकॉर्ड जीत होगी
पूरे नॉर्थ इंडिया में इस बड़ौदा का मैसेज जाएगा। अगर बड़ौदा के लोगों ने क्या मैसेज दिया सरकार को, इतनी बड़ी जीत होगी हम सोच भी नहीं सकते। चलो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेयरमैन साहब से बात की है, हमारे साथ और भी साथी थे, इन्होंने बताया कि हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं लेकिन हम जीत का आंकड़ा बढ़ाना चाहते हैं और वो आंकड़ा इस कदर ले जाना चाहते हैं कि ये बड़ौदा हलके के एक पूरे प्रदेश में मैसेज जाए कि उस बड़ौदा हलका में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस ने दर्ज की है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, लेकिन एक बात हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है बड़ी मजबूती के साथ बड़ौदा हलके में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सहयोगी जोगिंद्र शर्मा के साथ मैं विक्रम इंदौरा, बड़ौदा।